Hey guys, this is Arvind and today we will talk about upcoming Samsung Galaxy M52 5G. ये M series का एक स्मार्टफोन है. अब यहाँ पे M series का हमको M51 देखने को मिला था जुलाई 2020 में. ये बेस स्मार्टफोन था इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ कैमरा, इन टर्म्स ऑफ बैटरी. अब यहाँ पे 22,000 की प्राइस रेंज में लॉन्च हुआ था और उसके बाद हमको ये सेल्स में अभी भी देखने को मिल जाता है 18,000 की प्राइस रेंज में और ये काफी कमाल की डील है. लेकिन आज के दिन ये कमाल की डील नहीं है. जैसे स्मार्टफोन मार्केट ग्रो कर रहा है ना, वैसे वैसे इन फोन्स की वैलिडिटी कम होती जाती है. जितने ज्यादा स्मार्टफोन लॉन्च होंगे उतनी ही वैलिडिटी इनकी घट जाएगी, क्योंकि उससे बेस स्मार्टफोन जो है वो मार्केट में आ चुके हैं. अब यहाँ पे सैमसंग की जो फैन फॉलोइंग है वो डेफिनेटली एक अलग ही लेवल पे है. और सैमसंग जो अपर मिड रेंज है ये 25,000 से 30,000 वाला, उसमें काफी कमाल काम कर रहा है पिछले कुछ टाइम से. अब यहाँ पे जो सैमसंग गैलेक्सी A52 4G हमको देखने को मिला था, क्या कुछ नहीं था उस फोन में. सुपर एमोलेड डिस्प्ले, उसके साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, हमको 90Hz की डिस्प्ले देखने को मिल जाती थी और उसी के साथ वेल ऑप्टिमाइज्ड प्रोसेसर हीट प्री परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है. इसी के साथ 64MP का क्वाड रियर कैमरा सेटअप डेफिनेटली काफी कमाल की पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड करता है, काफी कमाल की बैटरी और उसी के साथ फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट. इसमें हमको OIS देखने को मिल जाता है, IP67 वाटर एंड डस्ट प्रूफ देखने को मिल जाता है. काफी एक यूनिक डिजाइन है, रैम मैनेजमेंट काफी कमाल का है, 3 ईयर्स की एंड्रॉइड अपडेट और 4 ईयर्स का सिक्योरिटी अपडेट इसमें हमको देखने को मिलता है. तो डेफिनेटली ये बोला जाए कि इसमें वो सब कुछ है जो हमको एक फ्लेक्सी रेंज से भी चाहिए होता है, अगर बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस की बात ना की जाए तो. हाँ, इसमें जो चीज नहीं है वो है एक 5G और वो भी बहुत जल्दी आने वाला है, A52 5G, जो हमको जुलाई में देखने को मिलेगा. अब ये तो सारी बैकग्राउंड बनाने वाली चीजें होंगी कि बेसिकली सैमसंग काम कैसा कर रहा है इस रेंज में. अब यहाँ पे हम डेडिकेटली बात करने वाले हैं अपकमिंग सैमसंग गैलेक्सी M52 5G के बारे में. अब हर एक सीरीज का अलग फैन बेस होता है. यहाँ पे जो रिसेंटली हमको MI 11 Lite देखने को मिला था, सबने सोचा था कि ये बिल्कुल लाइट स्मार्टफोन है, बहुत ही कम स्पेसिफिकेशन है और उससे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हमको Redmi Note 10 Pro Max दे देता है, नो डाउट. और फर्स्टली सेल में Xiaomi ने डिस्क्लोज किया कि इसके बिक चुके हैं 2000 करोड़ रुपीस प्लस के स्मार्टफोन्स, जो डेफिनेटली बहुत बड़ा नंबर है और ये चीज दिखाती है कि यहां पे हर एक सीरीज की अलग फैन बेस होती है और डेफिनेटली M सीरीज का भी कुछ ऐसा ही है. तो इस वीडियो के चलते मैं आपसे डेडिकेटली बात करूंगा इसी अपकमिंग Samsung Galaxy M52 5G के बारे में, क्या कुछ ये अपने साथ खास लेके आता है. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह बस लाइक बटन को दबाना है, करना है शेयर और उसके बाद अभी तक मुझे पता है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब कर दो और उसके बाद कर लो बेल आइकन को प्रेस. तो लेट स्टार्ट द वीडियो. अब सबसे पहले दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी M52 5G है वो इंडियन BIS पे लिस्ट हो चुका है, इसका मतलब बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाला है. Geekbench पे भी लिस्ट हो चुका है तो हमारे पास इसका सब कुछ कच्चा चिट्ठा है, बेसिकली क्या कुछ अपने साथ खास लेके आता है. यहाँ पे हमको पॉलीकार्बोनेट बैक ही देखने को मिलेगी, ये तो 100% बिना रूमर्स के ही कोई भी बोल सकता है. प्लास्टिक फ्रेम्स होंगे और इसी के साथ फ्रंट में हमको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा. सेंटर पंच होल को अपने साथ ये लेके आएगा, ट्रिपल कार्ड स्लॉट होगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट होगा और क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा हमको. और ये कैमरा अलाइनमेंट बिल्कुल ऐसी होने वाली है जैसी हमको सैमसंग गैलेक्सी A52 या A72 में देखने को मिलती है. मतलब ये जो यूनिक डिजाइन सैमसंग ने बनाया है काफी लंबा चलाने वाला है इसको और ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग लगती है और यही चीज बरकरार रहेगी M52 5G में भी. और उसके बाद बात करूं मैं इसके डिस्प्ले की, तो मैंने काफी सारे वीडियोस देखे जहां पे ये बोला जा रहा है कि हाँ ये 25,000 की प्राइस रेंज में आएगा तो इसमें IPS LCD डिस्प्ले होगी और IPS LCD डिस्प्ले नहीं होगी तो इसमें HD+ रेजोल्यूशन होगा. भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. और कंपेयर कर देते हैं A32 से. अब यहां पे A32 इनका अलग सेगमेंट का स्मार्टफोन है, इसका मतलब ये नहीं है कि सैमसंग की ब्रांड वैल्यू वही है या फिर वही करता है ये. अब M सीरीज जो है वो डेफिनेटली M51 भी किसकी वजह से बिका था, इसकी सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले की वजह से, इसकी वीक बैटरी की वजह से और इसके परफॉर्मेंस की वजह से. और इन चीजों को सैमसंग कभी भी डाइल्यूट नहीं करेगा. अब यहां पे मुझे लगता है कि ये अगेन वही 6.7 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले को लेके आएगा और इस बार हमको इसमें ऐड की हुई देखने को मिलेगी 90Hz की हाई रिफ्रेश रेट, फुल HD+ रेजोल्यूशन होगा. और ये मेरे अकॉर्डिंग है, अभी तक कोई इसके सॉलिड रूमर्स नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है, पर डेफिनेटली आपको इसके इर्द गिर्द ही चीजें देखने को मिलेंगी. और उसके बाद बात करूं मैं इस M5 सीरीज की सबसे मोस्ट कमाल रेसिपी की. अगर मैं आपसे M51 की बात करूं तो ये इसकी हाइप बनी थी अपने स्नैपड्रैगन 730G वाले प्रोसेसर की वजह से और अगेन यहां पे ऐसा ही कुछ होने वाला है. मतलब सैमसंग ने इसकी गहराई को पकड़ लिया है. यहां पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778 वाला प्रोसेसर होगा,
M78G। अब ये जो प्रोसेसर है 6nm फैब्रिकेशन प्रोसेस पे आता है, ड्यूअल 5G सपोर्ट इसमें हमको देखने को मिल जाएगा, और ये जो प्रोसेसर है 450,000 के अंतु बेंचमार्क स्कोर को लेकर आता है। इसका मतलब ये ऑलमोस्ट कॉम्पीट करता है स्नैपड्रैगन 845 से, तो डेफिनेटली ये काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल परफॉर्मेंस हमको प्रोवाइड करने वाला है, और ये सैमसंग की तरफ से आने वाला सबसे पहला स्नैपड्रैगन 778 वाला फोन होने वाला है। इसी के साथ हमको नॉक सिक्योरिटी इसमें देखने को मिल जाएगी, ओल्ड जी वगैरह के फंक्शंस इसमें देखने को मिल जाएंगे, और इसी के साथ वन यूआई 3.1 और एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। जो गीकबेंच पे लिस्ट हुआ है वो 6GB रैम के साथ हुआ है, इसका मतलब जाहिर हो जाता है कि 6GB और 8GB रैम के साथ आने वाला है, 128GB स्टोरेज वेरिएंट होगी, और इसके कुछ सॉलिड रूमर्स नहीं है कि ये 64GB स्टोरेज को भी अपने साथ लेके आए। इसी के साथ हमको एड्रेनो 642L वाला GPU देखने को मिलता है, जहां पे डेफिनेटली हम काफी कमाल की गेमिंग भी कर सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस काफी कमाल का निकल के आने वाला है यही Samsung Galaxy M52 5G। और उसके बाद बात करूं मैं इसके कैमरा डिपार्टमेंट की, तो इसके भी सॉलिड रूमर्स निकल के आए हैं कि ये 64 मेगापिक्सल के क्वाड रियर कैमरा को लेके आएगा अपने साथ। प्राइमरी सेंसर जो होगा वो सोनी का 64 मेगापिक्सल का सेंसर होगा, उसके बाद 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और उसके बाद 5 मेगापिक्सल का डेप्थ, और उसके बाद 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस विद LED फ्लैश, और ये 4K 30fps पे रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देगा हमको। अभी मैं आपको बताऊं कि इसमें आप अगर एक्सपेक्ट करके बैठे हो OIS को भी, तो ये चीज़ें नहीं होने वाली हैं, क्योंकि सैमसंग की जो A सीरीज है वो थोड़ी सी प्रीमियम है और उसमें ये चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं, M सीरीज में ये नहीं होने वाला है, तो एक्सपेक्टेशन रखना बिल्कुल बेकार सा है यहाँ पे। यहाँ पे इसी के साथ 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी विद मिड पंच होल और सेंटर पंच होल, जिसको सैमसंग इन्फिनिटी UO डिस्प्ले भी बोलता है, तो उसमें 32 मेगापिक्सल की हमको सेल्फी देखने को मिल जाएगी, और फ्रंट से भी ये 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर देगा। तो इन टर्म्स ऑफ कैमरा भी एक स्मार्टफोन काफी कमाल का निकल गया आने वाला है। और हाँ, जो सैमसंग M51 को यूनिक बनाती थी वो थी इसकी बड़ी सी बैटरी, 7000 mAh की बैटरी तब तक हमको किसी भी सैमसंग के स्मार्टफोन में नहीं देखने को मिली थी, स्मार्टफोन की मैं आपसे बात कर रहा हूं। और सैमसंग क्या किसी भी नॉर्मल स्मार्टफोन जो हम रेडमी रियलमी के खरीदते हैं, सैमसंग के खरीदते हैं, आईफोन का तो मतलब ही नहीं बन जाता है, उनमें नहीं देखने को मिली थी। तो ये 7000 mAh की बैटरी को लेकर आता था, लेकिन यहां पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा डाउनग्रेड आपको देखने को मिलेगा। ये 5 या 6000 mAh की बैटरी को लेके आएगा विद 25W ऑफ फास्ट चार्जिंग और USB Type-C 2.0 को अपने साथ लेके आता है। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन है जो मिला जुला के बनाते हैं इसी अपकमिंग Samsung Galaxy M52 5G को एक यूनिक सा स्मार्टफोन, और इसके साथ इसकी जो लॉन्च है वो हमको ऑलमोस्ट देखने को मिलेगी अगस्त के महीने में। अब यहां पे लास्ट टाइम जुलाई के मंथ में लॉन्च हुआ था, तो इस वक्त अगस्त के महीने में लॉन्च हो सकता है, क्योंकि हमको जो A52 5G है वो जुलाई के मंथ में देखने को मिलने वाला है, तो ये तो डेफिनेटली जुलाई में नहीं आने वाला है, ये अगस्त में ही मिलेगा। और बात करूं आपसे प्राइस रेंज की, तो ये 26,000 की प्राइस से लेके 30,000 की प्राइस रेंज में देखने को मिल सकता है। तो बस यार यही है कहानी इसी अपकमिंग Samsung Galaxy M52 5G की। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा, ये स्मार्टफोन कैसा लगा, नीचे लिख के बताना कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल भी मत भूलना। और अभी कभी वीडियो को तो लाइक कर दो, इसी के साथ चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब भी कर लो, और कल बेल आइकन को प्रेस कर, फंटास्टिक डे, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो तक के लिए। Bye-bye.